मुहर्रम के महीने में खास इबादत जो है वो रोजे रखने की है। तो इस महीने में अल्लाह की तौफीक से अगर मुमकिन हो तो कसरत से रोजे रखना मुस्तहब है। रोजों के एतबार से रमजान के बाद सबसे अफजल महीना है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। इब्न रजब कहते हैं कि ये हदीस इस माने में वाज़े और सरी है कि रमजान के बाद नफली रोजों में अफजल तरीन रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं, और ये सब नफली रोजे हैं। फर्ज रोजों से पहले मुहर्रम में रोजे रखे जाते थे, फिर जब फर्ज रोजे रमजान में हो गए तो फिर मुहर्रम के रोजे जो है वो नफली हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ज्यादा किसी और महीने में नफली रोजे नहीं रखते थे। मतलब आपने मुहर्रम का सारा महीना रोजे नहीं रखे या शाबान से ज्यादा नहीं रखे। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, इब्ने अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के सिवा कभी पूरा एक महीना रोजे नहीं रखे। तो अगरचे इस महीने के रोजे अफजल हैं, लेकिन पूरा महीना रखने की जरूरत नहीं है। आप रोजे रखते हत्ता के कहने वाला कहता, वल्ला आप कभी इफ्तार नहीं करेंगे, यानी मुसलसल रखते चले जाते थे, और इफ्तार करते यानी छोड़ देते रोजे रखना, हत्ता के कहने वाला कहता, अल्लाह की कसम आप कभी रोजे नहीं रखेंगे। तो इसमें आपका जो पैटर्न था तसलसल के साथ रोजे रखने का, वो हमेशा के लिए नहीं होता था। और ये क्यों नहीं किया आपने? इसलिए नहीं कि आपके अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए कि उम्मत के लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को कॉपी करना चाहते हैं, हर सुन्नत की पैरवी करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज मुश्किल हो जाती है।